हथौड़े के एक आखिरी वार के साथ ही वंदना अपना दम तोड़ देती है। उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती हैं। जैसे ही वंदना अपना दम तोड़ती है, वो मुर्दा खुशी से उछल पड़ता है, जैसे वंदना को मारकर उसने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली हो। वंदना के दम तोड़ने के बाद भी वो मुर्दा रुकता नहीं है। वंदना के कुचले हुए चेहरे पर पागलों की तरह हथौड़े से वार करते रहता है। वो अभी भी बहुत बेरहमी के साथ वंदना के चेहरे पर वार किए जा रहा था, और वंदना तो कब से शांत पड़ चुकी थी। उसने हमेशा हमेशा के लिए अपना दम तोड़ दिया था। जिंदगी में कुछ ख्वाहिश हमेशा अधूरी रह जाती है। हमारे मरने के साथ ही वो ख्वाहिश भी मर जाती है, जैसे वंदना की यक्षिणी से अपने पति की मौत का बदला लेने की ख्वाहिश। वो मुर्दा डरावनी आवाज में वंदना की लाश को देखते हुए बोल पड़ता है, इसको तो मार दिया, अब अगले की बारी। आज सबको मैं ही मारूंगा, काल स्वामी बड़े खुश होंगे मुझसे। इसी खुशी के साथ वो मुर्दा वहां से जाने लग जाता है। कालाझाड़ी जंगल के अंदर ही अमोदिता भी अपनी जान बचाते हुए भागे जा रही थी। वो इस तरह सब मुर्दों से छुपते हुए भागी थी कि इस वक्त उसके पीछे कोई भी दूसरा मुर्दा नहीं था। अमोदिता भी बुरी तरह थक चुकी थी, भागते भागते उसकी सांसें फूलने लग गई थी। अमोदिता सब मुर्दों से छुपते हुए भागी रही थी कि तभी उसकी नजर वंदना की लाश पर पड़ती है। जब अमोदिता वंदना की लाश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए वो सब कुछ भूल जाती है कि वो मुर्दों से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वंदना का चेहरा भले ही पूरा कुचल गया हो, देखने से समझ नहीं आ रहा हो कि वो वंदना है, पर उसकी सफेद साड़ी देखकर अमोदिता समझ गई थी कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि वंदना की थी, क्योंकि वंदना ही सफेद साड़ी पहना करती थी। अमोदिता धीरे धीरे वंदना की लाश के पास अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता वंदना की लाश के पास बैठती है और जब करीब से उसके कुचले हुए चेहरे को देखती है तो अंदर ही अंदर उसका दर्द बढ़ने लग जाता है, और उस दर्द के बढ़ने के साथ ही अपने आप उसकी चीख निकल पड़ती है। वो कसकर चीख पड़ती है, वंदना भाभी। अमोदिता इतने कसकर चीखी थी कि उसकी चीख काला झाड़ी जंगल में गूंजने लग गई थी। अगले ही पल देखते ही देखते अमोदिता की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वंदना की लाश को देखकर अमोदिता रोना शुरू कर देती है। अमोदिता कैसे न रोती, उसको जितना लगाव अपनी माँ रजनी से नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा लगाव वंदना से था। बचपन में वंदना युग और अमोदिता दोनों को साथ में ही खिलाया करती थी। अमोदिता वंदना की लाश के पास बैठकर रोते हुए कहती है, ये आपको क्या हो गया वंदना भाभी, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हैं। अमोदिता वंदना की लाश के पास बैठकर दहाड़े मार मार कर रोते जा रही थी। अमोदिता वंदना की लाश को अपने दोनों हाथों से हिलाते हुए रोते हुए कहती है, उठिए वंदना भाभी उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता वंदना भाभी उठिए। अमोदिता रो ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हो। अमोदिता तुरंत पीछे मुड़ जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे वही मुर्दा खड़ा हुआ था जिसने वंदना को हथौड़े से मार दिया था। अमोदिता के रोने की आवाज से वो मुर्दा वहीं वापस आ गया था। जब अमोदिता उसके हाथ में पकड़े हथौड़े को देखती है जो कि खून से सना हुआ था, साथ ही उस पर वंदना के चेहरे की चमड़ी अभी तक लगी हुई थी। उस हथौड़े को देखकर अमोदिता समझ जाती है कि वही मुर्दा था जिसने वंदना का ये हाल किया था। अमोदिता उस मुर्दे को देखते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ती है, तूने मारा मेरी वंदना भाभी को। वो मुर्दा भी बड़े ताव के साथ डरावनी आवाज में पलट कर कहता है, हाँ मैंने ही मारा है इसे, और अब मैं तुझे भी मारूंगा। इतना कहकर वो मुर्दा अमोदिता को मारने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अमोदिता भी गुस्से के साथ उस मुर्दे को मारने के लिए उसके पास जाने लग जाती है। अमोदिता अपने स्वादाइन वाले नाखून से उस मुर्दे पर वार करने ही वाली थी कि तभी वो मुर्दा अमोदिता के हाथ पर ही उस हथौड़े से वार कर देता है। जैसे ही हथौड़ा अमोदिता के सीधे हाथ पर पड़ता है, अमोदिता दर्द से बिलख उठती है और उसका नाखून उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। अमोदिता के हाथ की हथेली पूरी लाल पड़ गई थी, जैसे सारा खून वहां पर आकर जमा हो गया हो। हाथ पर हथौड़ा पड़ने के कारण अमोदिता का पूरा बदन एक पल के लिए सुन्न पड़ गया था। उस मुर्दे ने अपने हथौड़े से अमोदिता पर दूसरा वार करने के लिए अपने हाथ को पीछे खींचा ही था कि तभी अमोदिता अपने दर्द को भूलते हुए अपने दोनों हाथों से उस हथौड़े को पकड़ लेती है। अमोदिता और उस मुर्दे के बीच जमकर हाथापाई होने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे के हाथों से वो हथौड़ा छुड़ाने लग जाते हैं। इस बीच वो मुर्दा अपने दूसरे हाथ से अमोदिता के पेट पर कई मुक्के भी मारता है, पर अमोदिता उस हथौड़े को छोड़ती नहीं है, कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़े रहती है। अमोदिता के मुंह से खून निकलने लग गया था, पर तब भी वो उस हथौड़े को पकड़े हुए थी। वो उस हथौड़े को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर आखिरकार अमोदिता के हाथ की पकड़ ढीली पड़ने लग जाती है। उसके हाथ से वो हथौड़ा फिसलने लग जाता है और आखिरकार उसके हाथ से वो हथौड़ा
वो मुर्दा छुड़ा ही लेता है। जैसे वो मुर्दा अमोदिता के हाथ से वो हथौड़ा छुड़ाता है, वो मुर्दा कस कर अमोदिता के पेट पर एक लात मारता है। अमोदिता धड़ाधड़ पीछे जाती है और जमीन पर गिर जाती है। अमोदिता कहीं और नहीं बल्कि वंदना की लाश के पास ही जाकर गिरती है। वंदना की लाश जहाँ पर थी उसी के जस्ट बगल में अमोदिता गिरी पड़ी थी। पेट में लात पड़ने के कारण अमोदिता दोबारा खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, वो बस दर्द से कराई जा रही थी। उस मुर्दे ने बहुत कसकर अमोदिता के पेट पर लात मारी थी। वो मुर्दा हथौड़ा सामने करता है और अमोदिता को देखते हुए बड़े ही ताव के साथ कहता है, अब मैं तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने तेरी भाभी का किया था। तुझे भी उसी तरह मारूंगा जिस तरह तेरी भाभी को मारा है। अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए दर्द से कराहते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं। वो मुर्दा हथौड़ा लेकर अमोदिता को मारने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अमोदिता की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। इस काली अमावस्या की रात हर तरफ मौत मंडरा रही थी। चारों तरफ मौत का एक जाल बिछा हुआ था और उस मौत के जाल में एक एक करके सभी फंसते जा रहे थे। वंदना तो पहले ही फंस चुकी थी और अब अमोदिता फंसते जा रही थी। सिर्फ अमोदिता ही नहीं बल्कि वर्चस्विनी, पलक, डायना और रजनी, ये चारों भी बुरी तरह फंस चुकी थी। ये भी मुर्दों से लड़ नहीं पा रही थी और इनके ऊपर एक एक मुर्दा अपना हथियार लेकर पीछे पड़ा हुआ था। हर तरफ किसी न किसी की जान खतरे में थी। एक तरफ मुर्दों की सेना अमोदिता और बाकी सब के पीछे पड़ी हुई थी तो दूसरी तरफ अनुराग भी तारा की आंखें निकालने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। वो अपना खंजर उसकी आंख के पास ले जा रहा था। वहीं तीसरी तरफ महाडायन यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रही थी। ये दुनिया अच्छाई और बुराई के मेल से बनी हुई है। महाडायन युग को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रही थी तो अनुराग तारा की शक्तियां पाने के लिए तारा की जान को कुर्बान करने के लिए तैयार था। एक तरफ कोई किसी की जान बचा रहा था तो दूसरी तरफ कोई किसी की जान ले रहा था। इस तरफ महाडायन यामिनी का अभिशाप तोड़ने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। युग और यामिनी घेरे के अंदर महाडायन के सामने ही खड़े हुए थे। उनके समझ नहीं आ रहा था कि महाडायन उनके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही थी। महाडायन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और देखते ही देखते उसके हाथ में एक पैना चाकू आ जाता है। महाडायन दूसरे हाथ से अपनी चोटी अपने हाथ में लेने लग जाती है। महाडायन की हरी चोटी अभी भी उसके हाथ में नागिन की तरह डोल रही थी। महाडायन कुछ करती उससे पहले ही युग ना में अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है, नहीं ये गलत है। आज से सदियों पहले भी महाडायन ही मरी थी और आज सदियों बाद भी महाडायन ही मर रही है, ये गलत है। इस बार तुम कुर्बानी नहीं दोगी, मैं कुर्बानी दूंगा। तुम मत मारो अपने आप को महाडायन, मैं मरकर यामिनी का अभिशाप खत्म करूंगा। महाडायन कहती है, मैं फैसला ले चुकी हूँ युग, और यदि महाडायन एक बार कोई फैसला ले लेती है तो फिर कभी अपने कदम पीछे नहीं लेती है। युग तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, नहीं महाडायन तुम अपने आप को कुछ मत करो। इतना कहकर युग ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी वो झटके के साथ पीछे आकर गिर जाता है, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। युग देखता है कि उसके चारों तरफ महाडायन ने एक अस्त्र से जो घेरा बनाया था वो हरे रंग में चमकने लग गया था। उसी घेरे के कारण युग बाहर महाडायन के पास नहीं जा पा रहा था। जैसे महाडायन को पहले ही पता हो कि युग उसे बचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसने पहले ही युग और यामिनी को घेरे के अंदर कैद कर लिया था। महाडायन यामिनी की आंखों में देखते हुए आक्रोश भरी आवाज में कहती है, वो अभिशाप जो सदियों पहले कामेश्वरी यक्षिणी को दिया गया था, मैं महाडायन उस अभिशाप को तोड़ती हूँ। मेरी मौत के साथ ही वो अभिशाप भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सिर्फ कामेश्वरी यक्षिणी ही नहीं, उसकी संतान का अभिशाप भी खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बलि देकर उसे अभिशाप से मुक्त करती हूँ। इतना कहकर महाडायन चाकू से अपनी चोटी को काटने लग जाती है। महाडायन का ये बलिदान देखकर युग और यामिनी दोनों की आंखें नम होने लग जाती हैं। युग महाडायन को बचाना चाहता था पर वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक तरफ महाडायन अपनी चोटी काट रही थी तो दूसरी तरफ अनुराग तारा की शक्ति लेने के लिए उसकी आंखें निकालने के लिए चाकू उसकी आंख के पास बढ़ाया जा रहा था। अनुराग मंत्र का जाप करते हुए चाकू तारा की आंख के पास ले जाते हुए कहता है, ओम चक्षु 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 तेजस्थिरो भव। तारा रोते हुए नाम में अपना सिर हिलाते रहती है। तारा की आंखों के ऊपर लाल पट्टी बंधी हुई थी। अनुराग उसी के अंदर चाकू घुसेड़ देता है। जैसे ही अनुराग लाल पट्टी के अंदर चाकू घुसाता है तारा की आंख में से खून बहने लग जाता है। तारा दर्द से कराहते हुए चीख पड़ती है, आह! अनुराग चाकू को तारा की आंख के अंदर घुमाने लग जाता है और जब वो चाकू बाहर निकालता है तो उस चाकू की नोक पर तारा की आंख थी। तारा की आंख देखकर अनुराग मुस्कुराने लग जाता है।
अनुराग तारा की आंख को उठाता है और उसे अपनी आंख के अंदर लगाने लग जाता है। जैसे ही अनुराग तारा की आंख को अपनी आंख के अंदर लगा लेता है, बादलों के गरजने की आवाज गूंजने लग जाती है। अनुराग उसी मंत्र का जाप करते हुए अपनी दूसरी आंख को भी निकालता है और उसके सामने फर्श पर, जहां पर आंख की पुतली का निशान बना हुआ था, उसी के अंदर दूसरी आंख को भी डाल देता है। अनुराग दर्द से तड़पती हुई तारा को रोते देख बड़े प्यार से कहता है, बस तारा, अब थोड़ा दर्द और होगा, ये आंख भी मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी सारी शक्तियां मेरी होगी। तारा रोते हुए ना में अपना सिर हिलाते रहती है। वो इतना ज्यादा दर्द से तड़प रही थी कि अनुराग से कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। अनुराग तारा की दूसरी आंख को निकालने के लिए फिर अपना चाकू तारा की आंख के पास ले जाने लगता है। जहां एक तरफ अनुराग तारा की एक आंख निकालकर उसकी आधी शक्तियां ले चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ महाडायन भी अपनी चोटी को काटने में लगी हुई थी। उसके बाल कटने लग गए थे। महाडायन नम लहजे के साथ अपनी चोटी को दो हिस्सों में काटते हुए कहती है, इसी के साथ तुम्हारा अभिशाप खत्म होता है यामिनी। महाडायन की चोटी दो हिस्सों में कट जाती है। जैसे ही महाडायन की चोटी कटकर नीचे गिरती है, महाडायन तड़पने लग जाती है। वो उसी वक्त जमीन पर गिर जाती है। आसमान में एक तेज बिजली चमकती है और यामिनी दर्द से कराहने लग जाती है। यामिनी को इतना दर्द होने लग जाता है कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। यामिनी के शरीर के अंदर से काली परछाई निकलने लग जाती है, जो धुएं का रूप लेकर आसमान में उड़ने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी के अंदर जो डायन उस पर हावी रहा करती थी, वो उसके शरीर के अंदर से निकल रही हो। यामिनी चीखती रहती है। महाडायन की चोटी अपने आप जलने लग जाती है और जैसे ही महाडायन की चोटी जलकर खाक होती है, जमीन पर लेटी महाडायन भी अपना दम तोड़ देती है। उसकी आधी चोटी जो अभी भी उसके सिर पर थी, उसका रंग बदलने लग जाता है। उसकी चोटी आम चोटी की तरह काली हो जाती है। महाडायन के मरने और चोटी के जलने के साथ ही यामिनी का अभिशाप भी खत्म हो जाता है। वो दर्द से तड़पना बंद कर देती है। युग शॉक्ड होकर बस सब देखते रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।